फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? मैं हर्षा दुलेरा मेरी चैनल फूड फिएस्टा में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम बनाएंगे एक नई सी कचौड़ी, जो है तुअर के हरे ताजे फ्रेश दानों की कचौड़ी, जिसे हम आलू के फिलिंग में अंदर भर के बनाने वाले हैं। और ये इतनी ही स्वादिष्ट बनती है कि बस आप खाते ही रह जाएंगे। तो फिर शुरू करते हैं तुअर के दाने की कचौड़ियाँ। फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं तुअर के ताजे दानों की कचौड़ियाँ, वो भी इतनी करारी जो आपने पहले कभी खाई नहीं होगी और मिनटों में तैयार हो जाने वाली। तो इसके लिए बेसिक इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए। कचौड़ी बनाने के लिए ये मैंने कुछ उबले हुए आलू लिए हैं, ये तुअर के दाने हैं फ्रेशली जो मैंने छील के धो के रखे हुए हैं, और हमें चाहिए रहेगा थोड़ा सा ऑनियन और मेरा सुपर फेवरेट मैजिक मसाला बॉक्स, और हमें मेन इंग्रेडिएंट चाहिए नमक एंड ऑयल। तो हम शुरू करते हैं पहले कचौड़ी का फिलिंग बनाना। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम कुकर में फिलिंग प्रिपेयर करेंगे। तो उसके लिए यहाँ पर मैंने लिए हैं 2 चम्मच ऑयल, 1 चम्मच मैंने जीरा लिया है, और हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी हींग। जैसे ही जीरा क्रैकल करता है, हम इसमें ऐड कर देंगे ऑनियन। ये ऑनियन मैंने 2 मीडियम साइज के लिए हैं, जो मैंने बारीक काट के रखे हैं। ट्रांसपेरेंट जैसा बनाना है, थोड़ा सा पिंकिश ब्राउन जैसा। दो से 5 मिनट चलाते हुए इसे हम थोड़ा सा पिंकिश ब्राउन करेंगे। फ्रेंड्स, देखिए हमारा ये ऑनियन हल्का सा पिंक हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे तुअर के दाने, जो करीबन 1 कटोरी जितना लिया है मैंने। इसे 2 मिनट ऐसे ही चलाएंगे। तुअर के दाने का जो कच्चापन का स्मेल है वो चला जाए। दो तीन मिनट चलाने के बाद मैं मेरे मैजिक बॉक्स का यूज करने वाली हूँ, और मैं सबको ही बोलूंगी कि ऐसा ये मैजिक बॉक्स, मसाले का बॉक्स आप सब भी रखिए, बहुत ही इजी पड़ता है। तो मैं इसमें 2 चम्मच धनिया पाउडर ऐड कर रही हूँ, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर और 1 चम्मच रेड चिली पाउडर। आप तीखा कम या ज्यादा अपने हिसाब से डाल सकते हैं। पाउडर, और 1/2 चम्मच गरम मसाला पाउडर।
जाए और इसकी एक अच्छी सी खुशबू ना आने लगे। देखिए फ्रेंड्स, कलर कितना अच्छा बढ़िया लग रहा है। हमें इसमें टोमेटो या ऐसा कुछ भी नहीं डालना है, बस इन्हीं इंग्रेडिएंट से हमारे ये मसाला फिलिंग रेडी होगा। तेल भी अभी छूटने लगा है, तो अभी हम इसे थोड़ा सा पानी डाल के, मैंने इसमें ये 2 चम्मच पानी डाला है और हम इसकी अभी विसल बजाएंगे ताकि ये दाने गल जाए। इसी तरह से हमें सारे ही आलू को कद्दूकस कर लेना है। अभी हमें ये आलू जो मैश करके कद्दूकस करके रखा है, इसमें हम डालेंगे स्वाद अनुसार नमक। करीबन 1.5 चम्मच जितना मैंने नमक डाल दिया है और इसकी बाइंडिंग के लिए हम डालेंगे ब्रेड क्रम्स। ये होममेड ही ब्रेड क्रम्स है, जो ब्रेड की स्लाइस बच जाती है मैं उसको सुखा के ब्रेड क्रम्स करके फ्रिज में स्टोर करके रख देती हूँ। तो हम करीबन 2 से 3 चम्मच हम इसमें ब्रेड क्रम्स डालेंगे बाइंडिंग के लिए, ताकि जब हम कचौड़ियाँ डीप फ्राई करें तो ये खुल ना जाए। और इसमें कुछ भी मसाला नहीं जाएगा फ्रेंड, ऊपर से ये कचौड़ी प्लेन और अंदर से मसालेदार रहेगी, जो बहुत ही टेस्टी लगती है। इसे हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। हमारी कचौड़ी बन के रेडी हो गई है, अभी हम इस
Persia. 2 से 5 सेकेंड फ्राई हो जाने के बाद ही इस कचौड़ी को हमें हिलाना है. दोनों तरफ से ही हमें गोल्डन ब्राउन करनी है कचौड़ी को. देखिए ऐसे ही हमें गोल्डन ब्राउन करनी है कचौड़ी को और ये हमारी कचौड़ी तैयार है. ऐसे ही हम दूसरी भी कचौड़ियां फ्राई कर लेंगे. फ्रेंड्स हमारी ये कचौड़ी सर्व करने के लिए रेडी है. अभी फ्रेंड्स हमारी ये कचौड़ी अब तैयार है. इसे आप टोमेटो केचप या ग्रीन चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं. फ्रेंड्स आपको मेरी ये तुअर के दाने की कचौड़ी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और आप भी ये जरूर बनाने की ट्राई करिएगा और बहुत ही प्यार से सबको खिलाइएगा. और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा. थैंक यू फ्रेंड्स. तो मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी बनाने के टाइम.